हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक ऑफ एग्जामिनेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हुए बहुत दिन हो चुका है, अब हम वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ रिलेटेड लास्ट बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कट ऑफ एमपीपीएससी प्रीलिम्स का क्या हो सकता है, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि रिजल्ट कब आएगा। ये मान के चलिएगा रिजल्ट उसी दिन आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सभी लोगों से एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके मार्क्स वगैरह कितने आ रहे हैं अभी फाइनल आंसर की, ठीक है। चलिए देखिए, अगर जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 142 मेल मीन्स कि जिसके 71 क्वेश्चन जो है ना वो सही हुए हैं आउट ऑफ 97, उसके चांसेस पूरे पूरे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो फीमेल कैटेगरी हैं जिन्हें किसी प्रकार का रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है, उनके 70 के आसपास जो क्वेश्चन सही हो आउट ऑफ 97, इनके पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, 140 के आसपास जिसके मार्क्स रहेंगे मेल कैटेगरी में और 136 नंबर जिसके रहेंगे फीमेल कैटेगरी। अगर यहाँ पे कहें तो 68 क्वेश्चन और यहाँ पे 70 क्वेश्चन जिनके सही रहेंगे। तो जो लोग भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कट ऑफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप एटलीस्ट मेंस की तैयारी में लग जाइए। मान लीजिए कुछ नंबर के कारण आपका नहीं हो रहा है, तो क्योंकि जनवरी में फिर से प्रीलिम्स होगा और ये मान के चलिए नेक्स्ट टाइम आपको मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि इलेक्शन भी है। फिर इस बार जैसे 4 महीने का समय मिला है, नेक्स्ट टाइम 2 से 3 महीने का ही समय मिलेगा, तो अभी से मेंस की तैयारी में लग जाइए, ये मान के चलिए कि हमारा निकला हुआ है। दूसरा चीज ये रहेगा हमारा कि हम तैयारी कैसे चालू करें मेंस की, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आइए, उनको सॉल्व करना चालू कर दीजिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं ओबीसी का। ओबीसी का देखिए कट ऑफ अगर पिछले बार की बात करें तो काफ़ी कम था, लेकिन इस बार क्योंकि पेपर ईजी है तो आप 69 के आसपास ध्यान रखिएगा, जो कि जो कहना चाहिए कि मेल कैटेगरी में आ रहे हैं, और 67 क्वेश्चन जिनके सही रहेंगे वो फीमेल में आ सकते हैं। मार्क्स की बात करें तो 138 नंबर जो है मेल में और 134 नंबर फीमेल कैटेगरी जो ओबीसी रहेंगी, इनका कट ऑफ क्लियर होगा। ये कम भी जा सकता है क्योंकि आपको पता है अगर मान लीजिए 28% रिजर्वेशन मिलता है तो ये चांसेस है कि और कम जाए, जैसे लास्ट टाइम कम गया था 66 गया था, और यहाँ पे भी कम होने के चांसेस है। लेकिन अगर जैसा कि संभावना ये है 40% हाई कोर्ट अड़ा हुआ है, इतना ही हम देंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मराठा आरक्षण में 50% की लिमिट जात के आधार पर जो रिजर्वेशन दिया जाता है उससे मना कर दिया है, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आएंगे कि ईडब्ल्यूएस को दे दिया गया 60% ऑलरेडी है, लेकिन वो जात के आधार पर नहीं है, वो आर्थिक आधार पर है। अगला है देखिएगा जो एससी कैटेगरी के हैं जिनके 132 मतलब कि 66 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं एससी कैटेगरी में, और फीमेल 128 मतलब कि हम कह सकते हैं 64 क्वेश्चन फीमेल के सही हुए हैं, उनके बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि उनका कट ऑफ क्लियर होगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, इससे ज़्यादा एससी कैटेगरी कट ऑफ कभी नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एसटी की अगर बात करें तो 126 लास्ट टाइम जो है 120 ही गया हुआ था, लेकिन क्योंकि पेपर ईजी है और मैं ये जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैक्सिमम है, 120 मतलब कि 60 क्वेश्चन लास्ट टाइम गया था, इस बार 126 मतलब कि 63 के आसपास क्वेश्चन जिन्होंने सही किया है मैक्सिमम, ध्यान रखिएगा। जिनके 60 के आसपास क्वेश्चन सही है वो भी तैयारी में लगे रहें, और 122 मतलब कि 61 क्वेश्चन जो फीमेल कैटेगरी है उनका, ये मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे या मैक्सिमम क्वेश्चन कह सकते हैं, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ओवरऑल ये स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये सारा कट ऑफ रहेगा, ये मैक्सिमम के आसपास है, सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये नीचे के जो 3 हैं ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है। अनरिजर्व का इसलिए है क्योंकि देखिए नंबर ऑफ सीटें कम है, अगर 28% ओबीसी को रिजर्वेशन मिल गया तो भी कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, और इस कैटेगरी में क्या है कि एग्जैक्टली डेटा नहीं है कि इनकी आबादी भी कितनी आ रही है, कौन कौन यहाँ पे क्वालिफाइड कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अब जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया जो नया सुप्रीम हाई कोर्ट ने बोला है वो ये है कि इन कैटेगरियों का जो टॉपर होगा ओबीसी एसटी एससी का वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में जाएगा,
इसका कट ऑफ ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन जो ये तीन है EWS OBC ST SC इनका इतना ही कट ऑफ रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब रहता है कि यार रिजल्ट कब आएगा। देखिए आपको पता होगा कि ओबीसी रिजर्वेशन की जो सुनवाई है वह हाई कोर्ट में काफी तेजी से चल रही है, डेली सुनवाई चल रही है, और हाई कोर्ट का ऐसा अंदेशा है कि 14% ही ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है। लेकिन अभी कुछ गुप्त सूत्रों से पता है अगर यहाँ से 14% पाएंगे तो जो गवर्नमेंट है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाली है। अगर हमें 27% नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ये मान के चलिएगा सुप्रीम कोर्ट भी में भी 1 से 2 महीने लग सकते हैं। तो जो विद्यार्थी है वो क्या करे, क्योंकि रिजल्ट ये मान के चलिएगा अगर 14 दिया गया तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और 27 दिया गया है ये मान के चलिए, सॉरी मैंने कई बार 28 शायद बोल दिया है, 27 अगर दिया जाएगा तो ये भी मान के चलिएगा कि शायद 28 ही कहा है, हाँ मैं सॉरी मैंने 28 कह दिया है कई बार, स्लिप ऑफ टंग है, तो ध्यान रखिएगा 27% अगर इन्हें मिला तो भी जो अदर जो मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थी जिन्होंने हाई कोर्ट में केस किया वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये मान के चलिए अभी 2 से 3 महीने जो है ये मैटर अटका ही रहेगा, हो सकता है अगर रिजल्ट दे भी दिया गया तो भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप लोग अभी क्या करिए, आप लोग जो है MPPSC की तैयारी में लगे रहिए ताकि जो है अगर मेंस कभी भी हो तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। और अगर मान लीजिए अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट कहूँ तो 4 से 5 दिन की नेक्स्ट वीक की सुनवाई के बाद जो है रिजल्ट आपका आ जाएगा, इस मंथ के एंड में आपका रिजल्ट आने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, ठीक है, कॉमेंट आप कर सकते हैं अच्छी भाषा का प्रयोग करके, और कोई भी आपके सजेशन हो तो जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू। Bye.